नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महापर्व छठ का खरना आज शाम प्रसाद ग्रहण करेंगे व्रती, शुरू होगा 36 घंटों का निर्जला व्रत। शारदा सिन्हा के निधन से बिहार शोक में, सीएम सहित कई नेताओं ने जताया दुख। वो नहीं है छठ पर गूंज रहे हैं उनके गाने। मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को लेकर अपडेट, इसी माह छात्रवृत्ति का किया जाएगा भुगतान, डीबीटी के माध्यम से होगी राशि ट्रांसफर। मुख्य सचिव अमृतलाल मेड़ा का बड़ा निर्देश, पाक चुनाव वाले क्षेत्रों में प्रभारी होंगे सीओ, प्रखंड सहकारिता अधिकारी भी होंगे प्रभारी। एफ्रो एशिया कप 17 साल बाद होगा वापस, फिर होगा अफ्रीका और एशिया के बीच महामुकाबला। 2005 में शुरू हुआ टूर्नामेंट फिर से होगा आयोजित। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन यानी खरना है। आज का दिन खास है क्योंकि आज व्रती मिट्टी के चूल्हे पर खरना प्रसाद तैयार करेंगी, और शाम को पूजा कर महिलाएं खीर और गेहूं के आटे से बनी रोटी खाकर अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ करेंगी, जो छठ महापर्व के दूसरे अर्घ के बाद ही पारण कर खोला जाएगा। खरना पूजा का समय आज शाम 5:29 से लेकर 7:48 तक है। मान्यता के अनुसार खरना का अर्थ पवित्रता होता है। खरना छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ये व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए किया जाता है। छठ का पर्व हो और शारदा सिन्हा का गीत ना बजे, ये हो ही नहीं सकता। शारदा सिन्हा के छठ गानों के बिना ये पर्व अधूरा सा लगता है, लेकिन इस बार महान गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। उनका निधन पूजा के पहले दिन होना पूरे देश के लिए सदमा दे गया। शारदा सिन्हा के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा को संगीत के क्षेत्र में एक अमूल्य धरोहर बताते हुए उनके योगदान को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शारदा सिन्हा का गीत लोगों के दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। राज्य सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत करीब 1.25 लाख छात्र छात्राओं को इस माह छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है, और अब डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 4,21,263 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,24,342 आवेदन सत्यापित किए गए। इनमें से 1,17,331 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने का आदेश जारी किया जा चुका है। बाकी आवेदनों की जांच अभी भी जारी है, और इस पर अग्रेतर कार्रवाई के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आज सुबह दिल्ली से पटना लाया गया। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलाबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। बता दें, शारदा सिन्हा एक गंभीर ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। सोमवार को उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, और बीती रात उनका निधन हो गया। बिहार में छठ महापर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार एएसपी से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पटना में 20 और औरंगाबाद में 4 अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा प्रमुख स्थानों पर 35 कंपनियां बिहार विशेष सुरक्षा पुलिस और 30 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1,275 पुलिस अपर निरीक्षकों को उनके पैतृक जिलों में भेजा गया है। छठ महापर्व के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए 2,450 पीटीसी प्रशिक्षु सिपाही भी पटना समेत अन्य जिलों में तैनात किए गए हैं।
बिहार सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 15 जिलों में रबी मौसम में हरे मटर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग किसानों को 50% अनुदान पर हरा मटर बीज उपलब्ध करवाएगा, जिससे बीज की कीमत 170 रुपए से घटकर 85 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित अन्य जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कुल 13.6 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 4.80 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का योगदान जो है 3.20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा राज्य योजना के तहत 5.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बाद बनने वाला बिहार राज्य ग्रामीण बैंक बिहार का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। खास बात यह है कि ये बैंक राज्य के सभी 38 जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सेवाएं देगा, जिससे ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और बढ़ जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है, अब एक साथ आकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह दिखाएंगे। इस विलय के बाद बैंक का प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा, जो राज्य के केंद्र में स्थित होगा। बीपीएससी आज हेड टीचर और हेडमास्टर भर्ती परीक्षा के मार्क्स जारी करेगा। परीक्षार्थी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। प्रधान शिक्षक के लिए 36,947 जबकि प्रधानाध्यापक के लिए 5,974 सफल घोषित किए गए। बता दें, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के लिए 37,943 पद थे, लेकिन इसके लिए 36,947 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए हैं। वहीं प्रधानाध्यापकों के लिए 6,061 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिनमें से 5,974 को सफलता मिली है। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सरकारी स्तर पर धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और बिचौलियों से मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पैक्स चुनाव हो रहे हैं, वहां पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या CO धान खरीद व्यवस्था के प्रभारी बनेंगे। इस कदम से धान खरीद और किसानों को भुगतान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। मुख्य सचिव ने मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में धान खरीद की तैयारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस खरीफ मौसम में राज्य के 7,00,000 किसानों से धान खरीदने का लक्ष्य हासिल करना है, जो पिछले वर्ष से 1.5 गुना अधिक होगा। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा फ्लाई GPS ऐप के माध्यम से फर्जी उपस्थिति बनाने का मामला सामने आया है। करीब 2000 शिक्षक बिना स्कूल पहुंचे ही अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर रहे थे। ऐप के जरिए वे अपनी असली लोकेशन को बदलकर स्कूल का स्थान सेट कर देते थे। ये गड़बड़ी तब पकड़ी गई जब कई शिकायतों में सामने आया कि कुछ शिक्षक स्कूल आए बिना ही मार्क इन और आउट कर रहे थे। दानापुर और बेहटा प्रखंडों से सबसे अधिक शिकायतें मिली, जहां 150 से ज्यादा शिक्षकों पर आरोप है। जिला शिक्षा कार्यालय ने मामले की जांच शुरू करते हुए दोषी शिक्षकों से अपनी वास्तविक उपस्थिति की जानकारी देने को कहा है। साथ ही स्कूलों में कैमरा लगाने और शिक्षकों से फोटो भेजने की व्यवस्था की गई है। पटना से बेतिया के बीच फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 171.29 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 5 पैकेज में किया जाएगा, जिनका कुल बजट 8,660.70 करोड़ रुपए है। 4 पैकेज का निर्माण जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा, जबकि दीघा से बकरपुर तक का सड़क और पुल का निर्माण सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत होगा। बकरपुर से मानिकपुर तक निर्माण काम शुरू हो चुका है और अन्य पैकेजों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है, जिसमें 26 नवंबर तक बोलियां मांगी गई है। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि छठ के दौरान गिट्टी और बालू निकालने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगेगी।
घाट निर्माण गड्ढों की भराई और घाट तक पहुंच पथ के निर्माण में मिट्टी और बालू के उपयोग पर विभाग के स्तर से कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छठ महापर्व से जुड़े कामों को अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसके बजाय इस पवित्र पर्व के अवसर पर यथासंभव सहयोग दिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि निजी कामों के लिए गैर सरकारी जमीनों से मिट्टी का उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि व्यवसायिक या ठेका कार्यों के लिए संबंधित विभाग से लाइसेंस की आवश्यकता जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसे मिथिला और बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा को एम्स का केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन केंद्र सरकार को प्रदान किए। इस एम्स का डिजाइन IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने तैयार किया है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। साथ ही DMCH दरभंगा का पुनर्विकास भी किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। 13 नवंबर को इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव रखी जाएगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को 24 अक्टूबर को एक लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के साथ साथ 12 करोड़ 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। ये नोटिस उस समय भेजा गया था जब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर वेतन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया था। अब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब दिया है और उन्होंने तेजस्वी से 2 हफ्ते के भीतर इस नोटिस को वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। नीरज कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। लंबे इंतजार के बाद अफ्रीका और एशिया के बीच एफ्रो एशिया कप की वापसी होने जा रही है। ये टूर्नामेंट 17 साल बाद फिर से आयोजित किया जाएगा, जिसका आखिरी संस्करण 2007 में खेला गया था। अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच इस इंटर कॉन्फिडेंटल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा और इस बार इसमें एशिया 11 और अफ्रीका 11 के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें कि एफ्रो एशिया कप का पहला सीजन जो है 2005 में खेला गया था और उसके बाद 2007 में एशिया 11 ने 3-0 से अफ्रीका 11 को हराया था। इस बार अफ्रीका क्रिकेट काउंसिल ने इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, छोटू राजा, मोनी सिंह, दिलखोस, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, कुश कुमार यादव, रंजीत तिवारी, रवि मोहन वर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद इस्तियाखीत, अनवर करीम खान, राम बाबूदास, कामेश्वर सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, खरना के दिन आपके घर में कौन कौन से पकवान बनते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।